رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم बेशक आज का दौर जो है वो फितनों का दौर समझा जाता है। इसमें जो लोग दीन से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से मेरी और आपकी इस्लाह के लिए मसरूफ़ी अमल हैं, काबले तारीफ़ हैं, वो चाहे हमारे असातिज़ा हों चाहे दीनी हवाले से इस्लाह करने वाले लोग हों। मौलाना इदरान साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जो लोग मेरी और आपकी इस्लाह में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो संवर जाए, हम ऐसे बन जाएं जैसा अल्लाह पाक हमें देखना चाहता है। बंदों पर हकूक जो उस पाक ज़ात के हैं वो उसके सिवा किसी के नहीं है। हम तो स्ताइश उसी का हक है, वही मोहब्बत और खौफ के काबिल है। इसी पर तवक्कल और आसरा किया जाए और इससे ही लौ लगाई जाए, और यही तालीमात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका फरमान है कि जो मैं अल्लाह ताला की ज़ात तौहीद के बारे में कहता हूँ, क़यामत आखरत दोज़ख जन्नत के बारे में बताता हूँ और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के मुतल्लिक जो तालीम देता हूँ, ये मेरी अपनी फहमो फिक्र का नतीजा नहीं है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। इसने मुझे तुम्हारी हदायत खिदमत के लिए वसीला बनाया। तो आज करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की तरफ से एक दफ़ा फिर जो है हमने एक और स्कॉलर को दावत दी है कि हमारे स्टूडेंट के लिए टीचर्स के लिए कोई मोटिवेशन उन्हें मिले, उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो है वो सीखने के लिए मिले, तो हम मौलाना अक्सर दावत देते हैं कि